तुलसी धारण करता है, जिह्वा पे भगवान के नाम को बिठा के रखता है हर समय, चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते और सोते जागते फिसलते गिरते गोविंद गोपाल जो नाम उसे अच्छा लगे वो नाम लेता है। एकादशी का व्रत रहता है, वह वैष्णव भुवनों को पवित्र करने वाला होता है। बड़ी महिमा है एकादशी। जीवन में एकादशी का निष्ठापूर्वक अगर कोई व्रत रहता है, यमराज के दूतों से छू नहीं सकते हैं। नंद बाबा ने एकादशी का निर्जला व्रत किया। वैसे व्रतों में निर्जला व्रत उत्तम है, क्योंकि फलाहार को लेकर के बड़ा भारी असमंजस है। कोई कहता है कि ये साबूदाना खा लिया जाता है, कोई कहता नहीं निषिद्ध है साबूदाना, तो कोई कहता है समा खा लिया जाता है, कोई कहता है समा भी निषिद्ध है, कोई कहता है कि ये कूटू राजगृह आदि बना लो नहीं बना लो, बड़ा इसमें मतभेद है। तो उत्तम बात तो यह है कि निर्जला, निर्जला न रह सको तो पेय से रह जाओ, केवल दूध ले लो, शिकंजी ले लो, छाछ पी लो। केवल फल ले लो, कई तरह से, बस अन्न नहीं खाना चाहिए एकादशी को, क्योंकि अन्न में पाप निवास करता है एकादशी के दिन। नंद बाबा ने तो निर्जला व्रत किया। अच्छा, निर्जला व्रत इतना सरल थोड़ी है, वर्ष में एक एकादशी निर्जला आती है, उसको भी मुश्किल से रह पाते हैं लोग। अच्छा, दिन तो कट जाता है लोगों का, शाम को लोगों के फोन आना चालू होते हैं, बोले महाराज जी दिन तो बीत गया, शाम सूर्य अस्त होने के बाद जल पी लें क्या? तो कहना पड़ता है भले आदमी हमसे क्यों पूछ रहे हो, पी ले हो तुम, पीना है तो हमसे आज्ञा ले रहे हो। तो एकादशी का व्रत तो 24 घंटे का व्रत है, दूसरे दिन ही लेना चाहिए। तो निर्जला बड़ा कठिन है, इतना सरल नहीं है। नंद बाबा रहते निर्जला इसीलिए भी श्रेष्ठ है कि एकादशी के दिन निद्रा भी वर्जित है, सोना नहीं चाहिए। और निर्जला जो रहेगा अपने आप ही नींद नहीं आएगी उसको, कहां कैसे सोएगा बेचारा निर्जला में। नंद बाबा ने दिन भर तो विष्णु अर्चन किया, भगवान शालिग्राम का दुग्धाभिषेक, दही से अभिषेक, पंचामृत से अभिषेक, फिर बढ़िया ताजी ताजी गुलाब और कमल तुलसी से सहस्त्रार्चन किया भगवान शालिग्राम का। अर्चन करना चाहिए। शाम को अखंड कीर्तन रात्रि जागरण हो रहा था। नंद बाबा की आयु लगभग इस समय 77 साल की है। दिन भर अर्चन पूजन में बीत गया, रात्रि को जागरण हो रहा था, कीर्तन हो रहा था। नंद बाबा ने कहा ब्रजवासियों में थोड़ी कमर सीधी कर लूं, नींद तो नहीं लूंगा, कमर सीधी कर लूं। कर लो बाबा। बाबा जैसी थोड़े से लेटे कि आंख लगी जरा सी देर, 10-15-20 मिनट ही मुश्किल से। नंद बाबा की आंख खुली, नंद बाबा को लगा कि जैसे ब्रह्म मुहूर्त हो गया हो। सुबह सुबह चले गए जमुना स्नान करने। उस समय अर्धरात्रि 12-12 बज रहा था। वरुण देवता के दूतों का पहरा था। अर्धरात्रि के समय 11:30 से और कम से कम 2 बजे तक, 1:30-2 बजे तक नदी सरोवर तालाब में स्नान करना वर्जित है। वरुण देवता के दूतों का पहरा था। नंद बाबा ने जमुना में प्रवेश किया। वरुण देवता के दूत नंद बाबा को पकड़ के ले गए वरुण लोग। प्रातःकाल जब हुआ तो चारों तरफ खोज भई, खोजते हुए ब्रजवासी जमुना किनारे आए। नंद बाबा के वस्त्रों को जमुना जी के किनारे रखे देखा, जमुना में प्रवेश करने के पदचिन्ह भी देखे। अनुमान लगाया कि नंद बाबा जमुना जी में कहीं गए और किसी गहरे में डूब गए, चलो खोजो। तो गोताखोर ब्रजवासियों ने लगाई डुबकी, खोजा, नहीं मिला बाबा का शरीर। तब तो सबने निश्चय कर लिया कि नंद बाबा को कोई बड़ा मगरमच्छ तिमिंगल मछली मगरमच्छ निगल गया। शोक मनाने लग गए, रोने लग गए। रोते ब्रजवासियों के आंसू पहुंच करके प्रियतम श्री कृष्ण ने कहा रो मत, मैं बाबा को लेके आ रहा हूं। ब्रजवासियों ने जमुना जी में प्रवेश किया, श्री कृष्ण ने जमुना जी में प्रवेश किया और सीधे वरुण लोक पहुंचे। वरुण देवता ने भगवान के चरणों में
लौट करके साष्टांग प्रणाम किया और हाथ जोड़ करके कहा, भगवन अद्य मे निवृतो देहो अद्यैवार्तो दिगत प्रभो त्वत्पाद भाजौ भगवन् मापुः पारमध्वनः। आज ये हमारा शरीर धारण करना सफल हो गया। आप सबसे भी निवेदन करें, शरीर धारण करने की सफलता क्या है? खूब कमाओ, बड़ी ऊंची सी लंबी कोठी बना लो, लंबी वाली कार खरीद लो। वर्तमान में तो यही मानते हैं लोग। लोग कहते हैं, महाराज हमारा तो सब काम सफल हो गए अब। तब क्या, कौन कौन से सफल भाई? बोले घर बन गया और अच्छी सी कार भी आ गई, बेटों का ब्याह भी हो गया और काम धंधा भी भगवान की कृपा से बड़ा अच्छा है, हमारे तो सब काम सफल है। ये भी लौकिक सफलता तो है, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन ये लौकिक सफलता का संबंध केवल लोक से है, परमार्थ से नहीं है। शरीर धारण करने की सफलता है, इसी शरीर से, इन्हीं नेत्रों से सर्वेश्वर परात्पर का दर्शन हो जाए। तो जान लो कि जीवन धन्य और कृतार्थ हो गया। वरुण देवता ने हाथ जोड़ करके यही कहा, भगवन मेरा शरीर तो धारण करना तो सफल आज हुआ है, मेरा लोक भी पवित्र हो गया आपके आगमन से। ममाप्यनुग्रहम कृष्ण कर्तुमर्हस्यसे सदृक् गोविंद नीयतामेश पिता ते पितृवत्सलः। हे गोविंद, भक्त वत्सल नाम लिया जाता है भगवान का। इस श्लोक में भगवान का नाम है पितृवत्सल। भक्तों से तो प्रेम करते हैं, पिता से भी प्रेम करते हैं, पितृवत्सल। गोविंद नियताम, नियताम माने हाथ पकड़ के, जैसे वरुण देवता नंद बाबा को श्री कृष्ण को सौंप रहे हो, ये आपके पिता को मैं आपको सौंपता हूं। हे पितृवत्सल श्री कृष्ण, मेरे सेवकों ने लाने का जो गलती करी थी, आपके पिता को ही ले आए, लेकिन मेरे लिए लाभप्रद सिद्ध हो गई, क्योंकि इस बहाने आप तो आ गए हमारे यहाँ। देखो, कोई ना कोई बहाना तो चाहिए, कौन बहाने से कौन सी किसकी कब कृपा हो जाए। पूज्य महाराज जी का स्वास्थ्य थोड़ा सा गड़बड़ है, मलुक पीठ वाले महाराज जी का, 20 से 26 कथा होनी है। अब बड़ी टेंशन में, चिंता में थे पंडित जी, हम कैसे के क्या करें। तो ठाकुर ने लीला बना दी। देखो, पूज्य महाराज जी भी एक दिन बोलेंगे, जैसी अनुकूलता होगी। बाकी ठाकुर ने प्रेरणा दी, एक दिन कृष्णचंद्र शास्त्री जी का निश्चय हो गया, एक दिन श्री स्वामी राम भद्राचार्य जी का निश्चय हो गया, और दो दिन बड़े प्रसिद्ध सरस वक्ता हैं राधा कृष्ण जी, मायरा गाते हैं, टीवी पर खूब आते हैं, बड़े सरस वक्ता, दो दिन उनका निश्चय हो गया। और श्री गोरेलाल जी वाले महाराज जी, राधा घाट वाले दास तो रह गई। तो देखो कितना बढ़िया से सज गया कार्यक्रम के लिए, एक एक दिन सबके निश्चित हो गए फिक्स। अब श्री धनवंतरी दास जी आज जाएंगे और होल्डिंग लगवा देंगे, बस इतना रह गया है। तो बहाना ठाकुर जी कर कब कैसे क्या करते हैं, ये इनके हाथ में खेल है, कोई ना कोई बहाना चाहिए। वरुण देवता के यहां से नंद बाबा को लेकर के हमारे कन्हैया आए, ब्रजवासी आश्चर्यचकित हो गए, जैसे कोई पान जल के ऊपर चले, वैसे पानी के ऊपर बाबा और लाला चल के आ रहे हैं। बाहर निकले तो दौड़ करके ब्रजवासियों ने छू करके देखा तो शरीर सूखा हुआ, कोई भी पानी से निकलेगा तो शरीर तो नहीं सूखेगा, लेकिन ये कैसा शरीर, कपड़े सब सूखे हुए, चमचमाते कपड़े, क्योंकि वरुण देवता ने भेंट किए थे न मणि और आभूषणों के कपड़े। हरि शरणम। ग्वाल बाल बोले, बाबा तू कहां चले गए हो? मनसुखा तो बोले, बाबा तू कहां जाए के मर गए हो? ये ब्रज के लोग ऐसी प्रेम भरी भाषा बोलते, तू कहां जाए के मर गए हो? अच्छा, बुरी भी नहीं लगती यहां के लोगों की भाषा।
नंद बाबा ने कहा ब्रजवासियों को, आज मुझे श्री कृष्ण की महिमा समझ में आई। देवी देवता भी मेरे लाला का आदर करते हैं। वरुण देवता ने तो लोट के प्रणाम किया मेरे लाला के चरणन में, और मेरो भी बड़ो आदर कियो। इतना सुनते ही बाबा को छोड़ दिया और लाला को पकड़ लिया। क्यों रे कन्हैया, अपने बाबा को ही दिव्य लोक दिखाई दियो, हमें भी तो दिखाओ अपनो अच्छो वालो लोक। और ऐसा होता है, आज हमारे इंजीनियर साहब आए हैं, कोई प्रेमी कोई नया घर बना ले कहीं, तो उसके इष्ट मित्र कहते हैं भैया कब उद्घाटन कर रहे हो, तैयार तो हो गया होगा, नया घर दिखाओ ना हमें। ऐसा होता है। तो ग्वालवाल भी कह रहे हैं लाला कन्हैया तेरो नयो वालो लोग कौन सो है, हमें भी दिखाई दे, अपने बाबा ही को दिखावे वो केवल। भगवान ने कहा ब्रजवासियों तुम चक्कर में मत पड़ो, मेरो सबसे अच्छो वालो लोग घर यही है ब्रज, ब्रज ब्रज से अच्छो कोई है ही ना। नाय नाय कन्हैया बात ने मत बनावे, तू तो मुकू लोग दिखा अच्छो वालो। ठाकुर जी ने कहा नहीं मान रहे हो तो करो आंख बंद। भगवान ने सबकी आंख बंद कराई और सीधे उनको पहुंचा दिया विष्णु लोक वैकुंठ में, चमचमाता हुआ दिव्य लोक। सब चार भुजा वाले, सब शंख चक्र गदा पद्मधारी, सब भगवान जैसी छवि वाले थे। ग्वाल बाल बोले भैया हो यहाँ को तो सब बड़ो दिव्य सो लोक है, भारी चमक मार रहे हो है। तब तक शेष के पर्यंग पर पौड़े हुए भगवान नारायण को देखा। अरे ग्वालो देखो देखो कितने मोटे सांप के ऊपर ये देवता सो रहे हो है, या कि सकल सूरत हमारे कन्हैया से मिल रही है, चलो या से बात करें दो दो। हमारे लाला कन्हैया को ये जाने कि ना जाने, हल्ला गुल्ला करते भाई ब्रजवासी आगे बढ़े। भगवान के पार्षदों ने रोक दिया और कहा ब्रजवासी हो ये भाई ब्रज नहीं है, कि श्री कृष्ण खेल खेल में हार जाए तो लद जाओ उनकी पीठ पे और बुलाए बना लो उनको घोड़ा, ये तो ब्रज में ही होता है, वैकुंठ में संभव नहीं है। तुम दूर खड़े है कि स्तुति करो, समीप नहीं जा सकते, बात नहीं कर सकते। तो मनसुखा ग्वाल वालन थे बोले कि भैया ये देवता से तो बात ही ना कर सके, ऐसे वैकुंठ में तो हमारी बलाए जाए, हमारा तो ब्रज ही ज्यादा बढ़िया है। जैसी आंख खोली तो श्री कृष्ण के सामने ही सब ब्रजवासी खड़े थे। ग्वाल वालों ने हाथ जोड़ करके कहा कन्हैया कुछ नहीं रखा है वैकुंठ में। कहा करूं वैकुंठ जाए, कहा करूं वैकुंठ जाए, कहा करूं करेंगे वैकुंठ जा करके। जहां न जमुना जी, न गिरिराज जी, न ब्रजवासी, न गोपी, न ग्वाल वाल, हमें तो ब्रज ही सबसे अच्छा लगता है। चारों धामों से निराला ब्रज धाम के दर्शन करी ले, चारों धामों से निराला ब्रज धाम
पावन दर्शन कर हो मैं भी तो इस ब्रज से बाहर जाना पसंद नहीं करता। प्रियतम श्री कृष्ण ने ग्वाल वालों को हृदय से लगाया और कहा ब्रजवासियों मैं भी तो इस ब्रज से बाहर जाना पसंद नहीं करता। वृंदावनम परित्यज्य पादमेकम न गच्छति, वृंदावन से एक कदम भी मैं बाहर नहीं जाऊंगा। ब्रजवासियों ने श्री कृष्ण के उस वैभव रूप को भी देख लिया था। अब भगवान सुखदेव जी महाराज ने महारास की कथा कही है। महारास में